अभी हम पहुंच चुके हैं इस जगह का नाम मैंने सुना चुंडा मोड़ कुछ नाम है इस जगह का, और शायद हेलीपैड भी कहते हैं शायद इस जगह को। और व्यू देख लो यार, क्या जबरदस्त नजारा है। सरथल से कोई 4-5 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। अभी हमें सर्दी लगी थी तो अभी हम चाय पी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत मजा आ रहा है। ये आग जलाई हुई है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा गर्म कर लिया हमने खुद को। और अब चाय। गाइज अभी हम फंस चुके हैं यहाँ पर और रास्ता काफ़ी ख़राब है। अभी हम बाइक भी ख़राब हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, स्टार्ट नहीं हो रही अभी। एंड गाइज बाइक स्टार्ट हो गई भाई, टेंशन हो गई थी बड़ी। यहाँ पे खाली मैं और मेरे चाचू हैं और कोई नहीं है, तो इनकेस अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती तो यार हमारी हेल्प करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं। बाकी आप व्यू देख लो यार, लोकेशन चेक कर लो, क्या लोकेशन है भाई। बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम बस यहाँ से कोई मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर ही दूर हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस। ये जो स्पॉट है यहाँ से पूरा मतलब पूरी व्यू दिख जाती है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। पहाड़ देख सकते हो गाइस कितने, मतलब यार कितने बड़े विशाल, इतने बड़े बड़े पहाड़। भद्रवाह में तो ऐसे पहाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। एंड गाइस ये देख सकते हो आप यार, कितना अच्छा स्पॉट है, कितना अच्छा व्यू पॉइंट है। देख सकते हो हमारा सामान भी यहाँ पे हमने लगा हुआ है यहाँ पर, एंड हमारी बाइक भी यहाँ पे लगी हुई है। और दिखाना चाहूँगा यार रास्ते की हालत, देख लो आप, रोड की हालत बहुत ही ख़राब है, कैमरा भी स्टेबल नहीं हो पा रहा पूरा। एंड तबाही है गाइस, तबाही है, बहुत बुरी हालत है। गाइस जब पिछली बार मैं पहले जब यहाँ आया था तो इसी रोड पे सेम जगह पर जैसे हमें हमारी बाइक खराब हो गई थी। एंड यही बाइक थी तब, तो काफ़ी प्रॉब्लम आई थी हमें, कोई 4 बजे बाइक खराब हो गई थी। एंड फिर हमें कोई 9 बजे जैसे हमने बाइक ठीक करवाई थी मैकेनिक से, और उसके बाद हम आवाज़ सुन लो गाइस, क्या मज़ा आ रहा है। लेह लद्दाख में पहुँच चुके हम, फाइनली लॉन्ग पहुँच चुके। और आप चेक कर लो यार जामिया मस्जिद यहाँ की लॉन्ग की, और वे देख लो गाइज अभी रास्ता भी काफ़ी ठीक है और पहले से बेहतर है। फाइनली गाइज वी आर हियर बाई फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एज यू कैन सी गाइज, और हमारी जर्नी काफ़ी टफ हुई आज। एंड गाइज चेक कर लो ये लॉन्ग में यहाँ का ईदगाह, और पहाड़ देख लो यार भाई साहब। सबसे बड़ी बात मैं आपको पहाड़ दिखाना चाहूँगा यहाँ के, देख सकते हो यार, समझ लो जो भद्रवाह में पहाड़ है उनसे 10 गुना बड़ा है यार, बहुत बड़ा, कैमरा में भी नहीं पूरा आ रहा। एंड ये ईदगाह हो गया इधर का, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह। मिस्टर इशू JK06 गाइज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अभी, ये देख सकते हैं गाइज आप, लिखा हुआ है कुछ चेक कर ली। एंड फाइनली गाइज आई एम सो हैप्पी दैट वी आर हियर। अभी हम पहुँच चुके हैं और लोकेशन देख लीजिए गाइज, दिस प्लेस इज नोन एज लोंगबाद बाग एरिया। क्या बेहतरीन जगह है, और ये ईदगाह है यहाँ पे, हम यहाँ पे ठहरे हुए। सामने ग्राट भी है एक, काफी पुराना दिख रहा है। पानी देख लो यार, लोकेशन कितनी सही है। रास्ता देख लो गाइस, अभी हम बनी जा रहे हैं लॉन्ग से, और ऐसे ही कुछ हालात यहाँ के। पानी देख लो आप, झरने और पानी है यहाँ पे, बुलाई भी हो गई यहाँ पे, बोल रहे हैं सभी लोग। एंड अभी हम यहाँ से चलेंगे यार, आप देख सकते हो। तो यार मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अभी, ये भाई हालत बहुत ख़राब है यहाँ की, और ऐसे वैसे करके हम ट्रिप आपके आ गए हमको। एंड अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, और ये देखो यार रोड कैसी है, नीचे रोड ऊपर कैसा है, बहुत खतरनाक रहता है, बिल्कुल तो भाई है यहाँ पे। हमने हमारी बाइक लगी, अब चलते हैं हम। तो यार यहाँ से रोड की हालत ख़राब थी, तो अभी यार हम 3 जने थे, अभी भाई हमारे जा रहे हैं नीचे इस रास्ते से, रास्ता कुछ ऐसा है, और अब मैं भी जाऊँगा। एकदम पूरी खाई है, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है गाइज यहाँ से मैं चल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से चल रहा हूँ, पैर रखने हैं, बड़ी मुश्किल से संभल के चलना है गाइज यहाँ से। एंड ये देख सकते हो यार पूरी खाई है यहाँ से नीचे, मतलब पत्थर ही पत्थर है यार, पूरे पत्थरों का रास्ता है यहाँ से, देखते हैं।
अभी आगे ऐसे कितने शॉर्टकट लेने पड़ेंगे हमें, लेट्स सी। अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पर हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, हरियाली है चारों तरफ से, ग्रीनरी है। अभी बाइक आ चुकी है हमारी एंड हम चढ़ेंगे और चलेंगे आगे, लेट्स सी आगे क्या होता है हमारे साथ। गाइस यहाँ से व्यू कुछ ऐसी है, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रोड आज पिछली बार जब मैं आया था तो रोड बहुत खराब थी गाइस यहाँ की, और इस बार जो आ रहे हैं ना इतना मज़ा आ रहा है आज हमें यहाँ से, बहुत एंजॉय हो रहा है एंड कोई भी गाड़ी कोई भी बाइक चल सकती है मज़े के साथ। तो नेक्स्ट में अभी तो पोल्यूशन फ्री है, रोड देख रोड फिर से थोड़ी सी खराब आ गई है एंड देखते हैं क्रॉस कर लेंगे किसी तरह से इसको, बहुत खराब रास्ता है गाइस। एक बार फिर से यार ये वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है हमारे पास और ये कर रही है हमने क्रॉस रास्ता। देखो यार व्यू देख लो गाइस, लोकेशन देखते हो, लोकेशन कुछ ऐसी है। यहाँ से हम बनी एंटर हो चुके हैं और लोकेशन कुछ ऐसी है बनी की। गाइस आप देख सकते हो यार कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन, खुदा की कुदरत, और रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। अभी शायद किसी की शादी है जो है ना बनी बसोली यहाँ। अभी हम यहाँ बनी मार्केट में पहुँच चुके हैं और अभी हमने खाना शाना खाया होटल में एंड अभी हम देखते हैं यार, और बाकी आप सीनरी देख लो यार कितनी खूबसूरत जगह है। ये बनी का मार्केट है यहाँ पे और जो भी एरिया है यहाँ को हमारा लॉन्ग वगैरह आ जाता है, घर भी यहाँ के काफ़ी डिफरेंट हैं लॉन्ग से। आप ये पुल देख लो यार कितना लंबा है और चौड़ा है, सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही बंदा चल सकता है इस पे एंड काफ़ी लंबा है यार, बहुत लंबा पुल है। सो गाइस लिटरली ये पुल यार पूरा हिल रहा है, तो रस्सियों पे टिका हुआ है गाइस, बहुत डर लग रहा है चलने में, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमें एंड पूरा मूवमेंट में चल रहा है गाइस। ओ भाई साहब बहुत बड़ा रिस्क, कभी उस साइड जा रहा है कभी इस साइड जा रहा है एंड बाकी आप देख लो यार आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई देख लो यार। एक छोटी सी पहाड़ के यहाँ बनी वाली साइड और अभी यहाँ पर भी पहुँचे अभी हम, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ का ब्रिज देख सकते हो आप यार, कितना अच्छा मौसम है और कितना लंबा ये पुल है, काफ़ी मतलब अच्छा है और रोप्स पे ही टिका हुआ है, इसके नीचे कोई पिलर वगैरह कोई कुछ नहीं है, ये बस साइड से दरिया भी है और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं गाइस। यहाँ पे अभी पहाड़ देख लो, बहुत ही खूबसूरत जगह है, कितना अच्छा है ग्राउंड लेवल पर देखो, और ये यहाँ से एक गुस्सा पार्क दिखाई दे रहा है, दिखते हैं कैसा है। ये देख लो गाइस कितना खूबसूरत है, कितने फोटो शूट करेंगे एंड देन वी विल गो टू द रिवर एंड So guys, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में दूसरी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्यार बरसाओ, थैंक यू गाइज़।